क्या बताऊं लेकिन मैं ब्रदर व्हाइट फुली ऑटोमेटिक भाई मिलके बहुत खुशी पर ये जोक समझ में नहीं आया। अरे यार मैंने नई गाड़ी ली है डूड। ओहो भाई बधाइयां हो। क्या बात यार, यार जॉय आज तुझे इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज बिल के पैसे तू देगा। तो कभी भी पैसे क्यों नहीं निकालता है भाई? नई गाड़ी की तो तूने मिठाई खिलाई नहीं, हाँ। तो कम से कम दारू तो पिला सकता है यार। और वैसे भी पैसा जो होता है ना यार, वो हाथ का मैल होता है। तभी तो कहते हैं क्या कि कुछ दाग अच्छे होते हैं। चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, आज हाँ। पैसे लव देगा गुड। और नई गाड़ी तू मुझे दे दे। एक्सक्यूज मी। देख भाई फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है, असल में कल माधुरी को अपने मायके जाना है। अब यार नई गाड़ी में जाऊंगा तो ससुराल में थोड़ा रौफ जमेगा। No way, dude, no way. क्योंकि मेरी गाड़ी मेरी जान से भी प्यारी है, मैं उसे सिर्फ रात को निकालता हूँ और वो भी जब ट्रैफिक नहीं होता, और उसके बाद वो जाती है सीधा गैराज में। रात को? Yes. तेरी गाड़ी को क्या सन से एलर्जी है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यार तेरी गाड़ी टैन हो जाएगी। एलर्जी नहीं है, मैं अपनी गाड़ी को लेके थोड़ा पोजेसिव हूँ, दैट्स इट। पोजेसिव? भाई यार तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे गाड़ी ना हो, बीवी हो। बीवी से याद आया, अमीषा को तो मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाने दिया। क्या बात कर रहे डू, मेरी गाड़ी लगनी चाहिए 6 महीने तक, छम छमाते एंड ब्रांड न्यू ब्रदर। ऑलराइट एक्शन बॉय। याद आया, थूक लेते हैं यार, नजर ना लग गया। तेरा फोन बज रहा है। हाय बेबी। जोयसु, तुमने तो कहा था कि हमारी गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक है। हाँ, किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि नहीं है? तो फिर सामने बिजली का खंभा आया तो फिर गाड़ी रुकी क्यों नहीं? अरे बेबी, फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि मेरी कार बिजली का खंभा कब कहाँ कैसे? लगता है नई गाड़ी को नजर लग गई, वो भी बीवी की। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए गाड़ी बाहर निकाली थी और कीज तो मेरे पास है। डुप्लीकेट की जोयसु। ओहो, ऑफ कोर्स। क्या हुआ है मेरी कार को? हमारी कार जोयसु? हाँ, हमारी कार, आई नो। क्या हुआ है हमारी कार को? वो एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया और राइट वाली हेडलाइट क्रैक हो गई। But I'm telling you, जोयसु, मेरी गलती नहीं थी। हेलो हेलो जोयसु, तुम मुझसे गुस्सा हो ना? नहीं नहीं, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, गलती तो गाड़ी की है। हाँ। वो अपने आप भी तो रुक सकती थी। हाँ। और दूसरी गलती है खम्मे की। हाँ। वो अपने आप रास्ते से हट सकता था, है ना? एग्जैक्टली। तुम कितने अच्छे हो जोयसु। हाँ, आई नो बेबी, थैंक यू सो मच। जो भी है तो मैं अभी एक गाड़ी की हेडलाइट चेंज करवा दूंगा, और अभी तुम फोन रखो, अभी मैं इतनी देर तक नकली हंसी हंसने की एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। क्या? Nothing, bye. Shit, man. कौन समझाएगा इन लड़कियों को कि ये गाड़ी चलाना इनके बस की बात नहीं है? You'll have to tell her. तू सही कह रहा है dude. अगली बार मिशा ने मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया ना, तो मैं उसके मुंह पे बोल दूंगा, अगली बार प्लीज हाथ मत लगाना। Very strong here. Hmm.
और इसी तरह हमेशा मेरी भावनाओं के साथ खेलती रही, एक तरफ वो मेरी गाड़ी ठोकती रही और दूसरी तरफ मैं उसे बेडरूम में थैंक यू सो मच। जितना बड़ा गाड़ी का नुकसान उतना ही ज्यादा एक्शन मुझे बेडरूम में मिला, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसा एक्शन, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ मेरे दोस्त एक ही बात बोलते रहते, इधर आओ। A man is nothing without his machine boy. Joy. 5 मिनट के बेडरूम के एक्शन के लिए तूने अपने असूल छोड़ दिए। थू थू थू। 5 मिनट का स्टैमिना तेरा होगा डूड, मेरा 10 मिनट का है, समझा? अरे ओ, यही तेरी कमजोरी है और मीशा तेरा फायदा उठा रही है। देख, बेडरूम के अंदर नहीं, बेडरूम के बाहर मर्द बन। हाँ यार, उसे साफ साफ कह दे ये तेरी इज्जत का सवाल है। Go for it, Joy Sue. Go for it. Nonsense. अब तो मैं बोल के रहूंगा। मीशा, मैं बेडरूम में नहीं जाऊंगा। तुम गाड़ी चलाना सीख लो या तुम गाड़ी चलाना भूल जाओ, मैं बेडरूम में नहीं जाऊंगा। Enough is enough. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर खड़े क्यों हो? बैठ के बात करो ना। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। सॉरी जोयसू, नुमोहोकू बेबी, तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैं तो कहाँ नाराज। ऐसी क्या बात करनी है जो कल तक नहीं रुक सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, इसके अलावा मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता। पराठे, चटनी। मैं कहीं किसी और के घर तो नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, अपने ही घर हूँ। खा लो। आज तो हो ही जाए। माधुरी। कह रहा था कि ये पराठा इतना ठंडा क्यों है माधुरी? हर वक्त सिर्फ शिकायत करते रहते हो। मैंने तुम्हारी माँ से कभी शिकायत की है कि उनका बेटा इतना ठंडा क्यों है? अरे कमाल की है माधुरी, तुम क्या मुझे एक आलू के पराठे के साथ कंपेयर कर रही हो? हाँ, तुम वो जला हुआ पराठा हो जो कैसरोल में पड़ा रहता है और उसे कोई हाथ नहीं लगाता। चलो, दो पराठे क्या बना लिए, बढ़िया कर दिखा रही है। कुछ कहा तुमने? मैं कह रहा था कि अरे मिलजुल के काम करेंगे तभी तो देश प्रगति करेगा। मैं खुद ही पराठे गरम कर लेता हूँ। बस गरम हो रहा है, अभी देख लो। अरे माधुरी, ये माइक्रोवेव? सस्ती चीजें खरीदोगे ऑनलाइन तो खराब ही निकलेगी ना, चल नहीं रहा वो। चलो कोई बात नहीं, मैं गैस पे गरम कर लेता हूँ। अभी गैस के लिए गैस सिलेंडर बुक करवाना पड़ता है। अपने आप नहीं आता। अच्छा, वो क्या है माधुरी कि कल से ना LPG 50 रुपए सस्ती मिलेगी, तो मैंने सोचा कल ही बुक कर लेता हूँ, है ना? तो पराठे भी कल ही खा लेना। माधुरी,
तुमने अपने लिए पिज्जा मंगाया है? हाँ, वो भी गरम। हाँ, अरे 500 रुपए देना। 500 रुपए ये पकड़ो। लगता है आज भाइयों की बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। हेलो भाइयों। अरे सॉरी यार, वो अभी अभी आलू के गर्मा गर्म पराठे खा के आया हूँ। कांग्रेचुलेशन, मगर तू हमें क्यों सुना रहा है? हाय लव। अबे यार, हाय तो मेरी गाड़ी को लग गई है यार, मिशु की। नॉनसेंस। व्हाट द, हेलो, तूने अब तक उसे नहीं बताया? अरे कब बोलेगा, योलो ब्रो, यू ओनली लिव वंस। तो रुक, तू बता ना क्या करूं यार। मैं काम करता हूँ, मैं ना तेरे लिए कुत्ते का भट्टा लाता हूँ और मीशा से कहकर तेरे ना गले में लगा देते हैं, फिर तुम मीशा के पीछे टेल हिलाते हिलाते घूमते रहना। ओके, बस कर, मेरे अंदर के मर्द को चैलेंज मत कर, तू समझा? ओए ओए, देख यार, तो हिम्मत बना और मीशा को बोल दे कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। आज बहुत लेट हो गया, कल ही बोल दूंगा। हाय बेबी, गाड़ी की चाबी कहाँ है? मुझे पार्लर जाना है। चाबी नहीं मिल रही, गुम गई। अरे यार, डुप्लीकेट चाबी भी नहीं मिल रही है निशु। नो, मैंने जहाँ रखी थी वहाँ पे भी नहीं है। नॉट कूल यार, तुम्हें पता नहीं इन कार की डुप्लीकेट कीज बनाने में कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू यार। एनीवेज, आई एम गेटिंग लेट फॉर माय ऑफिस, बाय। एक काम करते, तुम्हें पार्लर जाना है ना आज, तो मैं आज तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। क्या है ना, मेरे आज अपॉइंटमेंट्स भी नहीं है ज्यादा, सो यू नो आई विल बी योर ड्राइवर फॉर दे। हेलो, सुन, आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दे। अरे यार, नोज जॉब, लिप जॉब, जो भी है सब मना कर दे। इतने सालों से जिस शक्ल के साथ जी रहे ना, आज एक और दिन जी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी जो भगवान ने दिया ना, उसमें खुश रहना सीखे ये लोग। लालची बंदर, नॉनसेंस बोल दे उन्हें। हाँ, आज अपनी गाड़ी बचा के रहूंगा। माधुरी, देखा मेरी आज छुट्टी लेने का क्या फायदा हो गया? हाँ, आज से हमें ठंडा खाना खाने की कोई जरूरत नहीं। ठंडा खाना तुम ही खाते हो, मैं तो बाहर से गर्म ही ऑर्डर कर लेती हूँ। पर अब ऑर्डर करने की क्या जरूरत है माधुरी, मैंने अब माइक्रोवेव ठीक कर लिया है, ये देखो। वाह, ये तो सच में चल रहा है। जी जी। मैं तो तुम्हें ऐसे ही निकम्मा समझती थी। ठीक ही समझती थी, तुम्हें हजार बार बोला तुम बॉटनी के प्रोफेसर हो, वो भी थर्ड डिवीजन के। इंजीनियर नहीं हो तुम। मेरा फोन आ रहा है, जल्दी खत्म करो, मुझसे बात करो, समझे? हाँ ठीक है। जॉय, भगवान तुझे सुखी रखे यार, मेरा मतलब जितना मैं सुखी हूँ।
सुखी, भगवान न जाने मुझे किस बात का बदला ले रहा है यार। अच्छा, प्लीज हेल्प मी ना डूड। यार तुझे पैसे चाहिए? और देख यार, मेरे पास छुट्टे नहीं है, वरना जरूर दे देता। अबे कंजूस, पहले सुन। यार आज मैंने मीशू को गाड़ी नहीं चलाने दी, उसे जहाँ जाना था मैं उसे ड्रॉप करके आ गया, अब उसे पिक करने जाना है और मेरी एक बहुत ही हॉट क्लाइंट आ रही है, समझ ना यार। I mean, पापा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रही है, तू प्लीज उसे पिक कर लेना यार, वो लव ने ऑलरेडी मना कर दिया मुझे, प्लीज। कैसे? अभी, I'm waiting. आता हूँ माधुरी। जॉय, मैं जाता हूँ। क्या? सब ठीक है, एवरीथिंग फाइन, मतलब तू इतनी जल्दी कैसे मान गया? हाँ यार। नहीं 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 यार, अब आखिरकार एक दोस्त ही दोस्त की मदद करेगा, और कौन करेगा। वेरी गुड यार, तू फोन रख, मैं मिशा को पिक करूंगा, ठीक है? चल भाई। अभी आई एम वेटिंग। कीप वेटिंग। थैंक्स यार जॉय, थैंक्स। क्या यार जॉय, पता है पिछले 3 दिन में 2 बार मिशा को पिक कर चुका मैं। साले शाम तक तो बड़ा दोस्त कर रहा था। अरे अबे दोस्ती का फायदा मत उठा साले। हाँ यार, कल मिशा को पिक नहीं करता ना, मेरी सेंचुरी हो जानी थी यार। मैंने तेरा नुकसान कर दिया ना, पर एटलीस्ट मैंने उस लड़की को तो बचा लिया। अंडा तो तेरा फोन ही नहीं उठाऊंगा मैं। डरा क्यों रहा है? एक आइडिया है मेरे पास। अगर तूने मिशा को अच्छे से गाड़ी चलाना सिखा दिया तो मतलब सारी टेंशन खत्म। पर भाइयों, प्रश्न ये उठता है कि क्या स्त्रियां चौपहिया चलाने में सक्षम है? मुकुल, अब जो भी बोला ना हिंदी में वापस। यार माफ करना, कभी कभी पिताजी की बड़ी याद आ जाती है, क्या करूं यार। बट माय क्वेश्चन इज, द नेशन वांट्स टू नो, आर वुमेन टैलेंटेड इनफ टू ड्राइव? सी, मिशा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी नोज हाउ टू ड्राइव, बस उसके बेसिक्स पॉलिश करने हैं यार, सीख जाएगी। यार मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। No, I don't think so. सोच ले, गाड़ी फुली ऑटोमेटिक है। गाड़ी तो ऑटोमेटिक है, पर बीवी तो ऑटोमेटिक नहीं है ना। Dude, चैलेंज, अगर मैं हारा तो मेरा गेमिंग स्टेशन तेरा। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओ नहीं 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 नहीं, मुझे गेमिंग स्टेशन नहीं चाहिए, मुझे अपना माइक्रोवेव दे। ओके देन बॉयज, कोई प्रॉब्लम नहीं, टिंग 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 टिंग, गेम ऑन। यस यस यस, ब्रदर। मिशा तो कभी गाड़ी चलाना सीखेगी नहीं, मतलब जॉय का माइक्रोवेव मेरा, जिसे मैं ऑनलाइन बेचूंगा 5,000 रुपए में, फिर उस 5,000 रुपए का एक नया माइक्रोवेव खरीदूंगा डिस्काउंट पर, बाकी जो पैसे बचेंगे उससे मैं घर का फ्यूज ठीक करवा दूंगा, सिंपल। माधुरी, बस सिर्फ एक और दिन और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम्स खत्म। माधुरी 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 माधुरी, लगता है आखिर मुझे छोड़ के चली गई। क्या बोला अभी? नहीं गई, आता हूँ। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तुम हर मामले में परफेक्ट हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ड्राइविंग भी परफेक्ट हो, ताकि जब तुम गाड़ी चला के बाहर निकलो तो लोग कहें कि जॉय की वाइफ कितना अच्छा चलाती है, आई लव यू, इसलिए बोला। जॉय, यू सो क्यूट। मैं सीखूंगी पक्का, प्रॉमिस। गुड, चलो। बेबी, रोड पे ना हमेशा फोकस होना चाहिए, ड्राइविंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस। मैं तो हमेशा फोकस रहती हूँ। लव और अभी सही कहते, लड़कियां कभी गाड़ी नहीं चला सकती। ओह, तो तुम और तुम्हारे दोस्त ये सोचते हो लड़कियों के बारे में? यू एमसीपी? वो क्या है?
मेल शॉविनिस्ट पिग। मैं बस अपनी गाड़ी की भलाई के बारे में सोच रहा था। पापा मैं चाहता था कि तुम्हें गाड़ी सिखा दूं। तुम होते कौन हो मुझे गाड़ी सिखाने वाले? बाय मिस्टर जॉयसू। मैं ना आज से तुम्हारी गाड़ी को ब्रांड भी नहीं लगाऊंगी। मिशा, मिशु, 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 पक्का मेरी गाड़ी को हाथ नहीं लगाओगी ना? प्रॉमिस। मतलब तो शर्त हार गया। तेरा माइक्रोवेव मेरा। ले ले माइक्रोवेव। बल्ले बल्ले। गाड़ी बच गई। बल्ले बल्ले। I'm so proud of you and you। बड़ी मेहनत से माइक्रोवेव लिया। थैंक यू। और निशा ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो कभी मेरी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाएगी। मतलब मेरे गाड़ी ठुकने का खर्चा बच गया। माधुरी तुम्हारे लिए। इसके अंदर का फ्यूज बॉक्स टूट गया, नया लाना पड़ेगा। 2000 रुपए लगेंगे। आप कर। ओ नहीं नहीं नहीं, हम खुद कर लेंगे। 500 का काम नहीं है, 2000 रुपए मांग रहे थे। हद होगी। ठीक है भैया, आप खुद ही कर लो। कर लेंगे। अरे आप रुकिए। देखो कल मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ तुम्हारी वजह से। आप लीजिए और लगाइए प्लीज। 1000 रुपए दीजिए, नया बॉक्स लगा। ठीक है ठीक है। गुड बॉय। अच्छा सुनो, मैंने ऑनलाइन ना एक नया माइक्रोवेव ऑर्डर किया, आ जाए ना तो 12000 रुपए दे देना। 12000? हाँ, डिस्काउंट पे मिला। वारी किस्मत, माइक्रोवेव भी जीता फिर भी नया खरीदना पड़ रहा है। इसे कहते हैं भयंकर बैड लक। दल 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 दल